अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, सब कैसे हैं? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। आज की वीडियो है आई लेजर सर्जरी के बारे में। मैंने भी रिसेंटली अपनी आई लेजर सर्जरी करवाई है। मेरी आंखों का नंबर था -2.7 और लिटरली मैं सुकून में हूँ। बहुत ज्यादा चश्मे मेरे उतर गए हैं, कोई इरिटेशन नहीं है, कोई रड़क नहीं है, कोई रेडनेस नहीं है, कोई आंखों से पानी नहीं है। तो इसको मैं तो रिकमेंड करूंगी और अपना सारा एक्सपीरियंस मैं आज शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि लोगों को बहुत सारे डाउट से कितना खर्चा आया, कितनी दर्दी जनाब सा। आज मैंने सारी इन्फॉर्मेशन ए टू जेड इन्फॉर्मेशन तोड़ तरह सुट देनी और फंडा तोड़ा काम। ठीक है जी, सबसे पहला स्टेप हमने जी डॉक्टर की अपॉइंटमेंट लेनी है। डॉक्टर की अपॉइंटमेंट ले ली और हम डॉक्टर की अपॉइंटमेंट लेने गए, उसने कहा काउंटर पे 2000 रुपया डॉक्टर की चेकअप फीस जमा करवा दो। मैंने 2000 रुपया जमा कराया, डॉक्टर ने मेरी आंखें चेक की, मेरा नंबर चेक किया, फिर उन्होंने पूछा कि आपने आई लेजर सर्जरी करवानी है या नहीं करवानी। उन्होंने कहा ठीक है जी, आई लेजर सर्जरी करवानी है नहीं करानी, हमारे 4 टेस्ट होते हैं, वो आपको 4 टेस्ट करवाने पड़ेंगे, आप जी काउंटर पे 4000 रुपया जमा करवा दे। मैंने 4000 रुपया जमा करवाया, फिर जी डॉक्टर ने मेरे 4 टेस्ट किए जो कि कुछ इस तरह के हैं। ठीक है जी, फिर मैं ये टेस्ट लेके दोबारा डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने कहा जी आपकी आई लेजर सर्जरी हो सकती है। इसका मतलब ये है कि अगर आप लोग डायबिटीज पेशेंट हैं तो वो आपको बताएगा कि आपकी आंखों की लेजर सर्जरी हो सकती है या नहीं हो सकती। अगर आप लोग का नंबर सिलेंड्रिकल है तो कॉम्प्लिकेशंस हैं तो डॉक्टर ही आपको बताएगा कि आपकी आई लेजर सर्जरी हो सकती है या नहीं हो सकती। मेरा नंबर था सफेरिकल, सफेरिकल की कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती, -2.75 मेरा नंबर था तो इजीली हो सकती है। अगर आपका नंबर है 5, 6, 7, 8 तो भी आप लोग की आई लेजर सर्जरी हो सकती है। जो लड़की मेरे बात थी एक, उसका 7 नंबर था, एक आंख का 7 नंबर था और एक आंख का 8 नंबर था, उसकी भी सर्जरी थी। जो लड़का मेरे से पहले गया था, एक आंख का उसका 9 था और एक आंख का 3 नंबर था, उसकी भी आई लेजर सर्जरी थी। ठीक है जी, ये सारा प्रोसेस हो गया। फिर डॉक्टर ने कहा कि जनाब साहब आप एक और कैबिन में जाएं, एक और डॉक्टर के पास, वो आपको ना पैकेज बताएंगे कि आपने कौन सा पैकेज सिलेक्ट करना है आंखों की आई लेजर सर्जरी के लिए। तो अब पैकेज है कुछ इस तरह का। सबसे पहला पैकेज था 1,20,000 रुपए का। तो उन्होंने कहा कि इसके अंदर वेव फ्रंट और डायमीटर और एक्सक्यूज मी करके 1,20,000 बन जाता है। मैंने कहा ठीक है जी। दूसरा पैकेज उन्होंने कहा 1,50,000 रुपए का दूसरा पैकेज है, इसके अंदर वेव फ्रंट डायमीटर एक्सक्यूज मी हो जाता है। मैंने कहा चले ठीक है जी। उसके बाद उन्होंने कहा कि अगला है सबसे अच्छा है 2,00,000 रुपए का, इसके अंदर आपकी शार्पनेस भी कंट्रास्ट भी सब कुछ 6x6 हो जाता है, ए चील वर्गा। तो मैंने कहा चले ठीक है जी। मैंने 2,00,000 रुपए का पैकेज सिलेक्ट कर लिया जो है 1,50,000 रुपए का फेमटोलेजिक वेव फ्रंट उसको कहते हैं, और जो 2,00,000 रुपए का है उसको कहते हैं फेमटोलेजिक श्वाइन। ये जी आप पढ़ लें, ठीक है जी। ये 2,00,000 रुपए का है और ये 1,50 और 2 का, ये दोनों लिखे हुए हैं। ठीक है जी, उन्होंने कहा पैकेज सिलेक्ट करें। मैंने 2,00,000 वाला पैकेज सिलेक्ट किया, उन्होंने मेरा नंबर लिया, उन्होंने कहा कि हम आप लोग को कॉल करेंगे कि आपको अपडेट किस दिन है। हम जी घर चले गए। घर जाने के बाद उनकी कॉल आई है तकरीबन 5 से 6 घंटे गुजरने के बाद। उन्होंने कहा परसों आपका ऑपरेट है, आपने परफ्यूम लगा के नहीं आना, बिल्कुल भी परफ्यूम मना। उसके बाद बाल ढीले बांध के आने हैं, नाश्ता अच्छी तरह करके आना है। ये उन्होंने मुझे 3-4 एहतियाती तदाबीर दी। अगले दिन हम गए, मैं थोड़ी डरी हुई थी कि पता नहीं क्या होता है, किस तरह दर्द होती है नहीं होती है। लिटरली 3 से 4 मिनट का ऑपरेशन था, 5वां मिनट भी नहीं लगा ऑपरेशन के दौरान। तो मैं गई हूं, उन्होंने मुझे कहा कि आप अलग रूम में आ जाएं। उन्होंने मेरी आंखों में 3 दफा ड्रॉप्स डाले हैं, मेरी आंखें बिल्कुल सुन्न हो गई, कोई फीलिंग नहीं आ रही थी, बिल्कुल रिलैक्स हो गई मेरी आंखें। मैं गई हूं, उन्होंने लैशेस को उठा के टेप के साथ ऊपर किया दोनों लैशेस को, फिर जी एक मशीन ऊपर से आती है, दोनों आंखों पर प्रेशर डालती है, 25 सेकेंड का प्रेशर एक आंख में, 25 सेकेंड का प्रेशर एक आंख में, और 0 पेन, कोई दर्द नहीं, कोई तकलीफ नहीं। जब प्रेशर भी डल रहा था तो सुकून आ रहा था आंखों को, दर्द नहीं हो रही थी। अच्छा जी, अब एक और बारी आती है, लेंस नहीं डलते। लेंस डालने वाली टेक्नोलॉजी होगी ये बहुत पुरानी, जो फेमटोलेजिक है ये सिर्फ आपका रेटिना को एक बस एक टूल के साथ आपकी आईसेट को वापस ले आती है, आंख को उठा के पर्दा और उसको कुछ करते हैं डॉक्टर, तो आपकी आईसेट वापस आ जाती है। अब आंखों में लेंस नहीं डलते, वो पुरानी टेक्नोलॉजी होगी। लेंस के बगैर ही उन्होंने सिर्फ मेरी आंखों का ऑपरेट हल्का सा किया और मेरी आईसेट वापस आ गई, जो नाम था मुझे यहाँ पे नाम भूल गए। ठीक है जी, टोटल 4 मिनट लगे हैं, उन्होंने मुझे ऑपरेशन थिएटर से बाहर कर दिया। उन्होंने कहा जी आपका ऑपरेट हो गया, अब आप एक और डॉक्टर के पास जाएं, वो आपको मेडिसिन दे देंगे। ऑपरेशन के बाद उन्होंने मुझे जूस पिलाया 2,00,000 रुपए का। उन्होंने मुझे कहा 2,00,000 रुपए का जी आप जूस पी लेंगे। मेरा वो जूस पिया, थोड़ी देर रिलैक्स उन्होंने मुझे किया, क्योंकि जब ऑपरेट हो रहा था ना मैं हल्का हल्का कांप रही थी, क्योंकि फर्स्ट पता नहीं था ना कि क्या होना है क्या नहीं होना, मुझे थोड़ा डर लग रहा था, लेकिन डरने वाली कोई बात नहीं है, 0 पेन है, 0, 0, 0, और टोटल 4 मिनट का ऑपरेट है। अच्छा जी, मैं एक और डॉक्टर के पास गई, उन्होंने जी मुझे बताया कि ये आपने दवाइयां खानी है। कितने गई? हाँ जी, ये जी दवाई खानी है। सबसे पहले जी उन्होंने, तेरी सारा कुछ ही गिर गया, एक सेकेंड।
हाँ जी, इस बॉक्स में उन्होंने दवाइयां दी। देखें जी, सबसे पहले 2000 रुपया उन्होंने चेकअप फीस ली, उसके बाद 4000 रुपया टेस्ट का लिया, फिर आपने पैकेज सिलेक्ट करने, 1 20 1 50 या 2 का वो पैकेज सिलेक्ट करके उसके पैसे दिए। उसके बाद जी 8000 रुपये का उन्होंने बॉक्स दिया, जिसके अंदर 3 ड्रॉप्स थे, एक नेचुरल टीयर्स था और 2 थे एंटीबायोटिक्स। उसके बाद जी ये वाइटामिन सी की टेबलेट्स हैं जो 3 महीने 2 डेली खानी है। उसके बाद जी एक सर्जिकल टेप थी और रात को आंखों के ऊपर लगाने के लिए ये थे, आंखों पे लगा के सोना है ताकि आंखें आप मले ना, सिर्फ 3 दिन ये लगाना है, ठीक है जी। आंखों के ऊपर यूं लगा के यहाँ पे टेप लगा देनी है ताकि आंखें ना मले। और साथ इन्होंने पेनाडॉल एक दी, अगर आपको तकलीफ हो तो आपने खानी है जी। मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई थी, मैंने ये नहीं खाई है, देखिये जी वैसी की वैसी है, क्योंकि ऑपरेशन से पहले उन्होंने मुझे 2 खिला दी थी। उन्होंने कहा था कि ऑपरेशन के अगर 6 घंटे बाद आपको तकलीफ होगी, 6 घंटे बाद खाने, तो मुझे नहीं तकलीफ हुई थी तो मैंने फिर ये नहीं खाई। दवाइयां जिस तरह इस्तेमाल करनी है वो फिर आपको डॉक्टर बता देंगे कि आपने किस तरह इस्तेमाल करनी है। अच्छा जी, अब बारी बड़ी इंपॉर्टेंट बारी आती है कि कितनी दर्द हुई, कब दर्द हुई, किस तरह की फीलिंग आई। देखो, उन्होंने आंखें सुन कर दी थी, कोई तकलीफ नहीं है ऑपरेशन के दौरान, तो कोई तकलीफ नहीं। ऑपरेशन के आधे घंटे बाद भी जो डॉक्टर मुझे दवाइयां बता रहा था तो मुझे कोई फीलिंग नहीं होती, कोई तकलीफ नहीं हो रही थी, बस मैंने काले चश्मे लगा दिए थे उसी वक्त ही। उन्होंने कहा कि आपने 3 दिन घर के अंदर लगाने हैं और 2 हफ्ते घर के बाहर लगाने हैं, ठीक है जी। टीवी देखने वक्त लगाना है, मोबाइल का 3 4 दिन इस्तेमाल नहीं करना है, मेकअप आपने 1 2 3 हफ्ते बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना, उसके बाद हल्का हल्का कर सकते हैं। उसके बाद मैंने उनको बताया, मैं भी यूट्यूबर हूँ, मुझे पहचानो, मैं कब वीडियो बनाऊं, तो उन्होंने कहा कि आप सिर्फ 1 हफ्ता परहेज कर लें, उसके बाद आप जिस तरह मर्जी बनाएं। और क्या बताऊं। हाँ, अब दर्द की क्या कैफियत है जी, आधे घंटे के बाद आंखों में पानी आना शुरू हो जाता है, ठीक है, पानी आना शुरू हो गया। इस तरह फील हो रहा था कि आंखों में किसी ने मिर्चों वाले हाथ लगा दिए हैं, जिस तरह टूटा हुआ लेंस हो लगा लिया हो या मिर्चों वाले हाथ से लेंस लगा लिया, उस तरह आंखें खुल नहीं रही हैं और आंखों से पानी निकली जा रहा है, हल्की सी जलन हो रही है। जलन हुई सिर्फ 4 घंटे के लिए, 4 घंटे के बाद एकदम सुकून आना शुरू हो गया, उसके बाद कोई जलन नहीं हुई। ऑपरेशन पेनलेस है, ऑपरेशन के आधे घंटे बाद भी दर्द नहीं होती, आधे घंटे बाद जलन होनी शुरू होती है और अखीर किस्म की जलन होती है 1 घंटा, उसके बाद आहिस्ता 4 घंटे बाद जलन बिल्कुल खत्म हो जाती है, ड्रॉप्स डालते रहने हर 2 2 घंटे के बाद। तो ये जी सारा प्रोसेस था, मैंने आप लोग को सारी इसकी इन्फॉर्मेशन बता दी। और जिस डॉक्टर से मैंने कराया है वो है अमानत आई हॉस्पिटल, डॉक्टर अमानत इसरार से, उनका नंबर भी मैं नीचे डाल दूंगी अगर आपने उनसे कांटेक्ट करना। वो रावलपिंडी में बैठते हैं, इस्लामाबाद में भी उनका क्लिनिक है F7 में। और इसके बारे में जी और इन्फॉर्मेशन सारी जी मैंने आपको बता दी। ओके जी, वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। हाँ जी, इससे रिलेटेड कोई और क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट से पूछ सकते हैं, और अगर आपने डॉक्टर को डायरेक्ट फोन करके पूछना तो तब फोन करके पूछ लीजिए। ओके जी, अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा, आऊंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। बाय बाय कर दो, चलो बाय बाय। कि ये एक बड़ी तेज वबा की तौर पे ना फैले, और इसको रोकने के लिए, इसके रोकथाम के लिए, इसकी तेजी को मंदा करने के लिए, स्लो करने के लिए जो अहम इकदामात हैं उनमें जिसको ये सोशल डिस्टेंसिंग का लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि चूंकि ये एक शख्स से दूसरे तक फैल सकती है, चुनाचे हम अपनी मूवमेंट, अपना एक जगह से दूसरा जगह जाना को कम से कम करें। इसी नज़रिए के तहत आपके सामने स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए, चीफ मिनिस्टर साहब ने फरमाया एक फर्दर पाबंदी है उसके ऊपर, कुछ चंद दुकानों के ऊपर। इसी तरह हमारी गुजारिश है लोगों से कि वो इस दौरान अगले कुछ अरसे के लिए, जब तक ये चीज़ क्लियर नहीं हो जाती कि ये सेटल कर रही है या इस पर काबू आ जाता है, तो बेजा ट्रैवल को एक जगह से दूना, सिवाय इसके कि वो ज़रूरी है, उसको अवॉइड करें, उससे इज्तनाब बरतें। दूसरी बात यह है कि छुट्टियों का ये मतलब नहीं कि हम अब सैर व तफरी पर निकल पड़े, ये मौका है घर बैठने का। बच्चों के बहुत से ऑनलाइन भी तरीक़ाकार किए गए हैं या वो घर बैठ के पढ़ सकते हैं, तो हम समझते हैं कि ये एक बहाना नहीं होना चाहिए कि अब हम निकल के छुट्टी और सैर मनाएं, क्योंकि जो बेसिक मकसद है वो फौत हो जाएगा। सोशल डिस्टेंसिंग से मुराद ये है कि जब आप, और ये बड़ी ज़रूरी बात है, मैं इल्तमास करूँगा कि इसको अच्छी तरह समझा जाए और रिपोर्ट किया जाए आप सबकी मदद से, वो ये है कि अगर बीमारी के फैलाव को खुला छोड़ दिया जाए तो वो इतनी तेज़ी से फैलेगी कि
उसके जो जो बीमारों की ज़रूरियात हैं वो आपका हेल्थ सिस्टम अचानक से उसको, दुनिया का कोई हेल्थ सिस्टम अचानक से उसको कैटर नहीं कर सकता। तो हमने कोशिश ये करनी है कि अगर इसका फैलाव आता भी है, जो कि किसी हद तक नागुजीर है, तो वो इतना आहिस्ता से हो, इतना तरीक़ाकार से हो कि हम उसको, हमारा हेल्थ सिस्टम उसको सस्टेन कर सके और उसको मैनेज कर सके।